गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के भूथियाटांड चौराहे पर प्रभारी यातायात गाजीपुर अजय कसाना द्वारा यातायात जागरूकता अभियान के तहत कैंप का आयोजन किया गया था। इस दौरान कैंप में एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी के नेतृत्व में तकरीबन 150 लोगों में हेलमेट का वितरण किया गया। हेलमेट वितरण के दौरान लोगों को यातायात नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का जरूर प्रयोग करने की बात कही गई। वहीं यातायात पुलिस और अधिकारियों द्वारा लोगों को यातायात के नियमों को कैसे फॉलो करें, सड़क को कैसे पार करें, जब सड़क पर वाहन चलाएं तो किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इस बात की जानकारी लोगों को दिया। साथ ही एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि यातायात माह चल रहा है, जिसके तहत सड़क सुरक्षा के तहत लोगों में यातायात पुलिस और अन्य के सहयोग से हेलमेट वितरित किया गया, क्योंकि दो पहिया वाहन चलाते समय बहुत से लोग बिना हेलमेट के चल रहे थे। उन लोगों में हेलमेट का वितरण किया गया और उनसे अपील भी की गई कि अभी यातायात माह चल रहा है, लेकिन हेलमेट का प्रयोग यातायात माह के बाद भी प्रयोग करें। अगर सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, साथ ही किसी का घर उजड़ नहीं पाएगा। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से महताब आलम की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें। सर, ये किस प्रकार का आयोजन है, क्या उद्देश्य इसका? ये उद्देश्य ये है कि ऐसे लोग भी मोटरसाइकिलों पे या दो पहिया सवारियों पे चलते हैं जिनके पास हेलमेट नहीं होता है, तो उनको आज यातायात माह के अंतर्गत ट्रैफिक और जन सहयोग से आज उनको हेलमेट देकर सुरक्षा के लिए बताया गया और उनको हेलमेट पहनाकर बताया गया कि वो यातायात माह के अतिरिक्त अन्य दिनों में भी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर लगाए, कहीं भी निकले तो बगैर हेलमेट के ना।